तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे प्रायोरिटाइजेशन की, और प्रायोरिटाइजेशन कैसे करी जाए और किन चीज़ों को पहले करा जाए और किन चीज़ों को बाद में करा जाए। ठीक है, तो ये डिलेमा हमेशा बना रहता है कि क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करनी चाहिए या हमें अर्जेंट चीज़ें पहले करनी चाहिए या फिर हमें क्रिएटिव चीज़ें पहले करनी चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले क्रिएटिव चीज़ें कर लेनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, क्रिएटिव वर्क पहले कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी होती है वो मॉर्निंग में यूटिलाइज हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो आपका अर्जेंट टास्क है उसको ख़त्म करो, उसके बाद कुछ और करना। फिर जो असली में सही लोग होते हैं वो ये करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले करते हैं, अर्जेंट चीज़ों को थोड़ा सा लेट करते हैं और लास्ट में जो है वो क्रिएटिव काम करते हैं जब अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं दिन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें करता हूँ, इम्पैक्टफुल चीज़ें करता हूँ जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, वो चीज़ें दिन के अंदर में सबसे पहले होती हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद वो चीज़ें आती हैं जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर वो अर्जेंट है, ठीक है, हमको करना है, तो उसके बाद वो वाली चीज़ें करता हूँ मैं जब मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में वो चीज़ें होती हैं अर्जेंट चीज़ें, जब अर्जेंट चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद मैं कम इंपॉर्टेंट चीज़ें करता हूँ जिनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है पर वो चीज़ें भी करनी है, तो इन चीज़ों पर काम उसके बाद होता है। और फिर जब सारा काम मेरा दिन का हो जाता है उसके बाद मैं अपना क्रिएटिव काम करता हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये गलत अप्रोच है कि क्रिएटिविटी वाला काम आपको दिन में पहले करना चाहिए ताकि आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाए और आप मॉर्निंग में क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, जो कि सच बात है, पर मेरे ख्याल में आपको अपनी बेस्ट एनर्जी अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को देनी चाहिए। और हो सकता है कि वो क्रिएटिव काम भी हो पर हो सकता है वो क्रिएटिव काम ना भी हो, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में जब मैं क्रिएटिव काम करता हूँ तो उसको मेरे लिए क्या फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि जब मैं लास्ट में काम करता हूँ क्रिएटिव वाला, तो जो पहले मेरा बाकी का काम था वो मैं कर चुका हूँ, तो उसकी जो टेंशन थी या जो स्ट्रेस था वो मेरे दिमाग से निकल चुका, मेरा माइंड एकदम फ्री है क्रिएटिव होने के लिए और क्रिएटिव जूसेज जो है वो आराम से फ्लो होते हैं शाम के टाइम में जब सारा काम हो चुका होता है, क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वहीं जब मैं पहले क्रिएटिविटी वाला काम पहले क्या करता था, दिन में सबसे पहले मैं क्रिएटिविटी वाला काम क्या करता था, पर इसमें क्या होता था कि मैं उतना क्रिएटिव हो नहीं पाता था, और उसकी वजह ये थी कि मेरे को थोड़ी सी टेंशन रहती थी, स्ट्रेस रहता था कि यार आगे इतना दिन में काम पड़ा हुआ है तो उतना ज़्यादा क्रिएटिव हो नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया कि क्रिएटिविटी वाला काम पीछे डाल दिया, तो पहले अब काम करता हूँ और उसके बाद क्रिएटिविटी वाला काम करता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो टेंशन थी काम की वो तो चली गई क्योंकि हमने काम कर लिया, तो अब आपका माइंड एकदम फ्री है क्रिएटिव होने के लिए। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन का जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इम्पैक्ट ला के देंगी वो चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद आपको अर्जेंट चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कोई आपका किसी काम के लिए वेट कर रहा है या कोई डिपेंडेंसी है, वो सारी चीज़ उसके बाद आती है जैसे ही आपका इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाए उसके बाद। और ये बात है कि अगर बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो फिर आपको वो तुरंत ही करना पड़ेगा, पर अगर अर्जेंट है वो चीज़ थोड़ा सा वेट कर सकती है तो फिर आप उसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए और फिर लास्ट में आपको क्रिएटिविटी वाला करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि ये मेरे लिए काम करता है, हो सकता है आपके लिए कुछ और काम करे, पर मेरे को लगा शेयर करने से अच्छा रहेगा, हो सकता है किसी और के लिए सेम चीज़ काम कर जाए। तो आशा करता हूँ कुछ आपको मिला होगा और आप कुछ अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में और अच्छा बेहतर प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच।